रॉकी भाई, रॉकी भाई क्या कर रहे हो? अरे कहाँ जा रहे हो तुम? हैं इधर उधर घूम रहे हो पूरे घर में? ये देखो भाई, ये भी मस्त तरीके से घूमता रहता है हमारे घर में। सी, कभी इधर, कभी रसोई में, कभी कहीं। हेलो, ये ले बिस्किट खा ले, ले बिस्किट खा ले, बिस्किट रॉकी बिस्किट खा ले, बिस्किट खा ले भाई, बिस्किट खा ले। नहीं खाने, ये भी मस्त मौला ना, कुछ कुछ सुनता नहीं है, इधर उधर घूमता रहता है। सो हे गाइज, वेलकम बैक टू एक्सट्रीम मोटो एडवेंचर वंस अगेन, और आप सभी का स्वागत है एक्सट्रीम मोटो एडवेंचर चैनल पर। तो आज का ये जो व्लॉग है, कोई टूरिंग व्लॉग नहीं होने वाला है। बेसिकली आपको पता ही है कि मैंने नई हिमालयन ली थी, तो भाई उस पर ना अगर टूरिंग करनी है तो भाई मॉडिफिकेशन तो कराने ज़रूरी है ना, पैनियर्स वगैरह, क्रैश गार्ड वगैरह सारी चीज़ें लगने वाली है आज के इस व्लॉग में, आप देखोगे। बाकी मैं जाऊँगा करोल बाग सबसे पहले, वहाँ पर पैनियर वगैरह देखते हैं कहाँ पर मिलेंगे क्या है, तो सबसे पहले उधर ही चलते और दिखाते हैं आपको पैनियर्स कौन से लग रहे हैं अपनी बाइक में। ये देखो भैया, हमारे लिए बन रहा है, क्या बन रहा है भाई? चिड़वा बन रहा है। ब्रेकफास्ट में चिड़वा खा के जाएंगे। हाँ, तो भाई चिड़वा ना हेल्दी बहुत होता है, तो इस वजह से मैं सुबह सुबह पोहा हो गया, चिड़वा हो गया, तो ये सब खा के निकलता हूँ। एक ही चीज होती है। हाँ, नहीं उत्पम वगैरह भी होता है ना। उपमा, उत्पम, बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन पोहा और चिड़वा। तो फटाफट ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर निकलते हैं। और ये भी कुछ बोल रही थी, क्या बोल रही थी? बाइक ये वो सब कुछ ये करेंगे, मजे ये लेंगे, काम मेरे से कराते रहते हैं। नहीं नहीं, इसको भी घुमा के लेके आएंगे। बेसिकली यार मैं प्रिफर नहीं करता कि एज ए पिलियन ना लेके जाया जाए, क्योंकि वो जो फ्रीडम होती है बाइक चलाने वाली, वो फील नहीं आती है, क्योंकि पीछे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है और फिर ओवरवेट हो जाती है बाइक अगर पहाड़ों में लेके जाते हैं, ऑफ रोडिंग में लेके जाते हैं, तो पिलियन को भी दिक्कत होती है और साथ ही साथ जो चलाता है उसके लिए भी काफ़ी मतलब कि मुश्किल होता है, कंफर्ट उतना होता नहीं है। तो मैं प्रेफर करता हूँ कि यार अकेले बाइक पे सोलो जाया जाए। बाकी इसको हमने वो कौन से ट्रिप करवाए थे भाई, और इस बाकी इसने भी ट्रिप किए थे मेरे साथ, सच पास, किल्लर, किश्तवाड़, सुडाल, भटोरी, और फिर कहाँ पे लेके गया था उसके अलावा हम स्पीति गए थे। हाँ, स्पीति का पूरा ट्रिप किया था भाई साहब, मतलब मजा आ गया था। दो बार केदारनाथ कर चुके हैं, तो वो व्लॉग नहीं देखे तो वो भी जाके देखना भाई साहब, अल्टीमेट व्लॉग थे। हमने कैंपिंग भी की थी वहाँ। हाँ, कैंपिंग वगैरह भी की थी। तो भाई जैसे मैंने बताया था आपको कि घर पे कि भाई मैं अपनी बाइक को मॉडिफिकेशन कराने के लिए लेके जा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे आया हूँ भाई राजू भाई के पास। SKD नाम से शॉप है, तो इसके अंदर अपनी हिमालयन खड़ी है, तो उस पर पैनियर्स वगैरह लग रहे हैं। बेसिकली मेरे ख्याल से लग गए होंगे, क्योंकि हम थोड़ा सा मार्केट वगैरह घूम के आए हैं अभी, तो दिखाते हैं आपको, आ जाओ। ये रहे हमारे राजू भाई। तो देखो भाई अपनी ये रही हिमालयन, मस्त लग रही है ना क्या? अब काफ़ी सारे लोग मुझसे ये पूछेंगे कि भाई तुमने पैनियर तो ब्लैक लगाए और वाइट कलर के टॉप बॉक्स लगाया, तो इसका भी एक रीज़न है। बेसिकली ये जो पैनियर्स है ना, काफ़ी सॉलिड है और इनके पास काफ़ी पुराने पड़े हुए थे, और उसकी जो क्वालिटी है ना नेक्स्ट लेवल है, क्योंकि मेरी डोमिनार में भी वही पैनियर लगे हुए हैं, तो मुझे पता है कि भाई ये वाले जो पैनियर है ना बहुत सॉलिड है। तो ये वाले मैंने ये लगवा लिए, बाकी इनके पास जो टॉप बॉक्स है ये वाला था, मैंने ये लगवा लिया। और अब कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये बताना भाई बाइक कैसी लग रही है। हालांकि क्रैश गार्ड वगैरह कुछ नहीं लगाया अपना, सबसे पहले मैंने पैनियर्स वगैरह का जुगाड़ कर लिया है, तो लॉन्ग राइड होने वाली है, देखते कहाँ पे जाएंगे। चलो जी, बहुत अच्छा लगा मिलके भाई, क्योंकि पहली बार ही मैं यहाँ पे आया, और बहुत ही अच्छे होस्ट हैं और बहुत प्यार से बातें करेंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको बताएंगे कि क्या क्या मॉडिफिकेशन करानी चाहिए, क्या क्या नहीं करानी चाहिए। तो बेसिकली अपनी जो नीड थी वो तो अभी पैनियर और टॉप बॉक्स की थी, तो वो प्रॉपर फिट हो गए, जो हिमालयन के प्रॉपर सेटिंग्स होती है ना उस टाइप से फिट करे हैं। अभी क्या है कि जब भी आप लेने जाओगे ना हिमालयन के जो टॉप बॉक्स वगैरह हैं, जो ये वाले हैं बड़े वाले, अगर आप जो रॉयल एनफील्ड के वो लोगे तो वो तो प्रॉपर फिट हो जाते हैं, लेकिन अभी इसकी जो फिटिंग है कहीं पर भी नहीं आई, लेकिन राजू भाई ने कर दिया। बिल्कुल, ये मैं बताना चाहूँगा कि बहुत से लोग पता क्या करते हैं इसके अंदर, बहुत से लेके हम भी खुद ऐसे लोग नॉर्मली लगवाते नहीं है, बट भैया की रिक्वायरमेंट को देखते हुए जैसा भैया ने कहा वैसा सेम दिया है, देख सकते हैं अभी इसमें सैडल स्टे के साथ ही आपके पैनियर्स फिटेड हैं, इट मीन्स इसमें एक्स्ट्रा फिटिंग ही नहीं है, कोई भी कोई जुगाड़ नहीं, कोई सुराग नहीं, सीधा सिंपली ये फिट करेंगे और पूरा बस फिट हो जाता है। एक्चुअली क्या होता है, जो दूसरी फिटिंग लगाओगे ना उसका भी वेट हो जाता है, फिर वैसे ही बाइक इतनी भारी है और ज़्यादा वेट उस पर लाद दो तो दिक्कत तो है ही, और इसका साइड स्टैंड आपको पता ही है, ये लगा हुआ ये बार बार देख रहे कि माइक का लगा हुआ है लगा हुआ है, तो बेसिकली इन्हीं का फ़ोन है, उसी से शूट कर रहे हैं हम। तो इसका जो साइड स्टैंड है ना उसमें दिक्कत तो सभी को पता है कि क्या है, क्योंकि वो छोटा है, टेढ़ा बना रखा है रॉयल एनफील्ड ने, ये देखिए।
तो काफ़ी लीन हो जाती है बाइक, तो ये भी एक इशू है, इसका एक एक्सटेंडर हमें लगाना पड़ेगा। बहुत सारी मॉडिफिकेशन हम करने वाले हैं अपने इस हिमालयन पे, क्योंकि भाई साहब ये ना मैं बताना नहीं चाहता अभी, चलो फिर कभी किसी व्लॉग में बताएंगे। और एक बात और बताना चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं है खाली आप टॉप बॉक्स पैनियस लगाने हैं, इसके अंदर बहुत सारी ऐसी मॉडिफिकेशन जो लोड हो सकती है, चाहे आप सैम बाइक की देख लेना या खन्ना बाइक की देख लेना, किसी की भी, मतलब जितनी भी बाइक से ज़्यादातर हुई है ना वो ज़्यादातर हमारे ही हिमालयन लोड होती हैं, राजू भाई की शॉप पर जो कि मिलते हैं दिल्ली के रोड पर। बिल्कुल बिल्कुल, तो सीधा हम यहीं पे आ गए थे भाई, तो अपना काम हाँ बिल्कुल सेम है भाई, सेम है दीपक ब्रो। तो अब निकलते हैं भाई घर की तरफ, ठीक है, और भी मॉडिफिकेशंस होनी है जो कि इसी व्लॉग में आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि काफ़ी छोटा सा हो जाएगा अगर सिर्फ ये पार्ट में डालूंगा तो। तो चलो जी, ओके, बाय बाय, सी यू सून। और डिस्काउंट देंगे, पैसे पैसे लेने नहीं लेने? सुनिए, जो इनका चैनल देखे है उनको भी डिस्काउंट, इनको तो कर दूंगा डिस्काउंट। चलो बढ़िया, ओके गाइस, तो अभी राइट नाउ मैं आ चुका हूँ सैम गैराज पे। सैम भाई ये खड़े हुए हैं, बिल्कुल छुपे हुए हैं, बोल रहे मैं नहीं आऊँगा। तो बेसिकली यार अपने पास ना मोटो टॉर्क का सामान आया है, इसको मैंने मंगाया था, मतलब क्रैश गार्ड है और भी काफ़ी सारा सामान है। तो अपनी जो हिमालयन है इस पर मतलब फुल लोड होने वाला है टूरिंग सेटअप, जैसा कि आपने देखा कि पैनियर्स वगैरह मैंने लगा लिए थे, टॉप बॉक्स भी लग गया था, लेकिन अभी इसको खोलते हैं, अनबॉक्स करते हैं। बाकी ये जो मोटो टॉर्क का सामान है ना भाई, इसकी क्वालिटी बहुत बढ़िया है, इस वजह से मैंने मोटो टॉर्क का जो क्रैश गार्ड है और सारी चीज़ें वो मंगाई है, क्योंकि प्रोटेक्शन लेवल मोटो टॉर्क का मुझे ज़्यादा बेटर लगा अगर मैं कंपेयर करूँ दूसरे ब्रांड से। तो इसके अंदर है बैश प्लेट जो कि बिल्कुल एल्यूमिनियम की बनी हुई है, और इसके अलावा ये देखिए यहाँ पे आ गया अपनी हिमालयन का रेडिएटर गार्ड, और ये है टॉप रैक प्लेट जो कि शायद हम नहीं लगाएंगे क्योंकि ऑलरेडी हमारी जो टॉप रैक प्लेट है जो हमने टॉप बॉक्स लगाया था तो उसमें लग चुकी है। तो ये आ गया अपना GPS माउंट और सैडल स्टे नहीं है, ये है अपना क्रैश गार्ड। बाकी ये देखो एक हेडलाइट गार्ड भी आया हुआ है, ये है स्लाइडर्स, और ये बाकी का सामान है इसके अंदर। हाँ जी, ये दो क्रैश गार्ड हैं, एक टोपी भी आई है मोटो टॉक की, सी। यहाँ पे पहले ये दो पत्तियाँ हैं ये हटा रहे हैं, फिर अपना जो बैश प्लेट है वो लगेगी। और क्वालिटी देखो यार, क्वालिटी बहुत बढ़िया लग रही है इसकी मुझे, और इसको मैंने सिल्वर में ही मंगाया क्योंकि अपनी जो बाइक है वो ये देखो पूरी वाइट है ना, तो इस वजह से ज़्यादातर जो पार्ट है मैंने वाइट ही मंगाया, मतलब सिल्वर। ये है जी हिमालयन का रेडिएटर गार्ड, तो ये भी काफ़ी अच्छा है, तो इसके लगने के बाद और ज़्यादा अपनी जो बाइक है वो एनहांस हो जाएगी, फोटोग्राफी वाइज ज़्यादा बेटर लगती है अगर आप कलर्स लाइट रखोगे तो। तो फाइनली गाइज अपनी जो हिमालयन है वो हो गई है तैयार, थोड़े बहुत कुछ और मोड्स होने वाले हैं लेकिन वो अगले वीडियो में या फिर आने वाले वीडियो में आपको पता चल जाएंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो अपना क्रैश गार्ड लग चुका है, स्लाइडर यहाँ पे लग चुके हैं, और एक चीज़ और, ये जो मिरर आप देख रहे हैं ना ये मैंने लगवाए थे एवेंजर के, बेसिकली ये एवेंजर के हैं, इनका जो व्यू है ना वो काफ़ी अच्छा आता है, काफ़ी ब्रॉड आता है तो पीछे का अच्छे से नज़र आता है, इस वजह से मैंने इनको लगाया। लेकिन ये ना 80-90 के आसपास अगर मैं चलाता हूँ बाइक तो वाइब्रेट करते हैं थोड़ा सा, तो पीछे का ब्लर हो जाता है, लेकिन काम चल जाता है। और यहाँ पर हमने लगा लिया है अपना ये माउंट, ये देखिए यहाँ पर जो GPS माउंट है, बेसिकली यहाँ पे भी हमने लगवाया है एक जो कि मोटो टॉर्क का ही है, लेकिन यहाँ पर हमने एक और ये मोबाइल माउंट लगवाया है जो कि मेरी पिछली बाइक में लगा हुआ था, यानी कि डोमिनार पे लगा हुआ था, तो मैंने उसका निकाल के यहाँ पे अभी लगा दिया है। बाकी और ये देखिए यहाँ पे सामने हेडलाइट ग्रिल भी लग चुकी है अपनी, जो कि बहुत सही लग रही है यार। अब बस इसके अंदर थोड़े बहुत और चेंज होने वाले हैं, बेसिकली एक जो विंडशील्ड है ना मुझे लगता है कि वो लगाएंगे हम, क्योंकि जो विंड ब्लास्ट है इसमें काफ़ी ज़्यादा आता है अगर हाई स्पीड पे जाते हैं हम,
और इस साइड हमने लगाया है एक, ये देखिए, तो ये है मास्टर सिलेंडर गार्ड। यहाँ पे भी हिमालयन की बैजिंग कर रखी है हर जगह। तो लॉन्ग टूरिंग के लिए ये अभी हमने सेटअप कर लिया है अपना। पैनियर हमने लगाए लिए थे तो वो तो आपको दिखाई दिए, बेसिकली रेड अभी लगाए हैं हमने। तो देखते हैं फ़ोटोज़ वगैरह बढ़िया आएंगी तो बढ़िया है, नहीं तो हम इसको ब्लैक में कन्वर्ट कर देंगे क्योंकि मैंने दो मंगाए हैं। ओके जी, फाइनली मैं आ चुका हूँ अपने घर। बाकी हिमालयन की मॉडिफिकेशन कुछ तो हो चुकी है, लेकिन भाई बहुत सारी मॉडिफिकेशन और होनी बाकी है। बहुत सारी चीज़ें आई हुई हैं मेरे पास और बहुत सारी चीज़ें मंगाई भी हुई हैं, तो सारी की सारी चीज़ें अपनी हिमालयन पे लग जाएंगी तो भाई वो अल्टीमेट टूरर बन जाएगी, यानी कि भयंकर वाली टूरिंग सेटअप होने वाला है। मतलब थोड़ा तो हो ही गया, आपने देख ही लिया है। बाकी एक दो व्लॉग बाद फिर दोबारा से इसमें मॉडिफिकेशन वाला एक वीडियो मैं डालने वाला हूँ और फिर उसमें प्रॉपर जो पूरी मॉडिफिकेशन होगी ना करके हम आपको दिखाएंगे कि बाइक कैसी लग रही है, और फिर उसके बाद निकलेंगे एक धमाकेदार रोड ट्रिप के लिए। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राइड सेफ, जय हिंद एंड सायोनारा। और हाँ, हिमालयन का यार नाम बताना कि क्या रखा जाए। वैसे काफ़ी लोगों ने सजेस्ट किया था, किसी ने बोला था कि स्नो लेपर्ड रखो, किसी ने बोला बसंती रखो, किसी ने बोला लैला रख लो। वैसे मुझे लैला काफ़ी पसंद आ रहा था। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या रखा जाए। चलो जी, बाय बाय।